अपन एक्सेल ओपन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको इंसर्ट टैब में यहाँ तक बता दिया था, चार्ट्स तक, स्पार्क लाइन बताना था, है ना? ठीक है, अपन यहाँ पर नेम लिख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया है, कोई भी नेम लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया अजय, विजय, मोहन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनकी कोई सेलिंग्स है या फिर जो भी है, आपको क्या करना है, इसको एक ग्राफ में दर्शाना है। तो आप यहाँ पर लिख लो, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, अपन इसको कम कर देते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मान लीजिए ये अपन ने यहाँ पर लिख दिया, ये नेम है, ठीक है। और ये नाम लिख दिया अपन ने, जैसे कि ये है जनवरी, ठीक है। और यहाँ पर अपन लिख देते हैं फेब का है, फरवरी का, और ये है मार्च, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया है रिजल्ट, ठीक है। इसमें हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन लाइन वाला जो, ये क्या है, स्पार्क लाइन ग्रुप। हमने अभी तक आपको बताया था चार्ट का, ये चार्ट की तरह ही आता है, लेकिन चार्ट कैसे आता है, एक बड़े रूप में आता है। लेकिन स्पार्क लाइन लेते हैं तो स्पार्क लाइन एक सिर्फ एक कॉलम में आती है, ठीक है, सिर्फ एक ही जो है सेल में आती है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लाइन पर क्लिक करोगे, ये आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आप डाटा रेंज सेलेक्ट करोगे कि कौन से डाटा का आपको देखना है। आपने डाटा रेंज सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपको बता रहा है ये A6 में इसमें आएगा, क्योंकि आपने पहले सिलेक्ट है, अपन ओके कर देंगे। देखो एक लाइन आ गई, ठीक है, एक लाइन आ गई। इसी को हम यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं, हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। मान लीजिए ये आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, ये हमने आपको कोई कंपनी के जो वर्कर्स है, ये वर्कर्स है, इनकी हमें सेलिंग्स बताना है कि इन्होंने जनवरी में 150 आइटम सेल किए थे, फिर फरवरी में 200, और फिर मार्च में इनका बढ़ गया, इन्होंने 250 कर दिए। इसी तरह से सभी का आ रहा। अब जैसे कि बाद में आपने इसको चेंज कर दिया, हमने इसको कर दिया 180, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पार्क लाइन चेंज हो गई। तो इस तरह से आपको इसको ग्राफ में दर्शाना है, तो आप यहाँ से दर्शा सकते हैं। देखिए इनका जनवरी में 200 था, ठीक है, 200 में यहाँ पर ये लाइन यहाँ आ रही, और फरवरी में क्या हो गया, कम हो गया, तो देखिए कम हो गई। फिर इसके बाद मार्च में बढ़ गई ये सेलिंग सीट की, तो यहाँ पर भी देखिए अमाउंट बढ़ गया। अगर जैसे कि यहाँ पर हमने कर दिया 500, तो देखिए ये चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर जैसे कि आप एक कॉलम और इसमें ऐड कर लेते हैं, हम राइट क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब वोल्टा हो गया, अपन यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया ऐड कर लिया, ठीक है। अभी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अपन ने वो ही नहीं दिया। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, एक मिनट, पहले इस पर क्लिक करेंगे आप, और यहाँ से आप जाएंगे कि इसमें इंसर्ट में लाइन पर जाएंगे, ठीक है। अब वो डाटा रेंज पूछ रहा है, आप डाटा रेंज सिलेक्ट कर देंगे, कहाँ आएगा, पहले चीज सिलेक्ट है, आप ओके कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें अभी कुछ लिखा नहीं है अपन ने, लेकिन अपन ने उसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। आप इसमें कुछ लिख देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 200, देखिए एक और बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 150, और यहाँ पर 250, और यहाँ पर 180, ठीक है। अब ये इसमें ही अकेला क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन ने इसको ड्रैग नहीं किया, आ रहा है समझ में। तो इस तरह से आपको कुछ दर्शाना है, तो आप एक में, लेकिन ये कहाँ आएगा, एक में। अगर आप ऐसे आपने इतनी जगह सिलेक्ट की, या फिर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर लिया, और आप जा रहे हैं इंसर्ट में, और यहाँ से आप लेंगे तो वो तो रहेगा, आप लाइन पर जाएंगे, ठीक है। आपको डाटा रेंज कहाँ चाहिए, आपने इतनी ज्यादा जगह सेलेक्ट कर दी और ओके कर दिया, तो ये देखो एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही सेल में आता है। अगर आप एक सेल सेलेक्ट करोगे और ओके कर दोगे तो आ जाएगा, लेकिन अभी अपन ने ज्यादा जगह सेलेक्ट की है तो इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले किस सेल में आपको आउटपुट चाहिए उस सेल को सिलेक्ट करिए, फिर लाइन पर जाइए, यहाँ पर डाटा रेंज में कौन सी आपकी डाटा को देखना है आपको दिखाना है उसको सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आ गई, वही
ठीक है, अब सभी का आपको देखना है तो अलग से लेने की जरूरत नहीं, आप सभी को यहाँ पर इस तरह से साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए, ड्रैग कर दीजिए तो वो सभी का ले लेगा। क्लियर है, कर लेंगे। अब आपको जब भी यहाँ पर स्पार्क लाइंस लेते हैं तो आपके सामने एक टूल बढ़ जाता है, डिजाइन टूल। ठीक है, डिजाइन टूल पर हम जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनसाइड में, आप देख रहे हैं तीन टाइप की स्पार्क लाइंस है, एक लाइन कॉलम और विन लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पर डिजाइन में मिलता है एडिटेड, यहाँ पर लाइन कॉलम विन लॉस। अभी अपन ने क्या ली है, लाइन ली है। अगर आप चाहते हो कि ये जो है लाइन कॉलम में ना आकर सॉरी लाइन में ना आकर कॉलम में आ जाए तो आप ऐसे कॉलम सेलेक्ट कर दोगे। देखो कॉलम में आने लगा है वो ही, बस पहले लाइन में दिखा रहा था, अब आपको किस में दिखाने लगा, कॉलम में। अब आपको इस पर टाइप चेंज करना है, बिन लॉस में लेना है, कॉलम में लेना है, लाइन में लेना है, किस में लेना है, आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे कि आपने कॉलम पर क्लिक कर दिया तो कॉलम में आ जाएगा, ठीक है लाइन पर क्लिक कर दिया तो लाइन में आ जाएगा, लेकिन पहले आपको डाटा रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। क्लियर है, ठीक है। यहाँ अपन अभी इसको नहीं देख रहे, अभी अपन देखते हैं इसको। ठीक है, हमने यहाँ से सिलेक्ट किया डिजाइन करा, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टाइप चेंज कर सकते हो। ये ऑप्शन आ रहा है एडिट डाटा, एडिट ग्रुप लोकेशन एंड डाटा, आपको इसकी जो डाटा लोकेशन है वो चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो, अपन को नहीं करनी तो अपन नहीं करना, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है आपको हाई पॉइंट, लो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, मार्कर्स, नेविगेशन पॉइंट्स। जैसे कि हमने अभी इन सभी को सिलेक्ट किया हुआ है, हम देखना चाहते हैं इन सभी में सबसे फर्स्ट पॉइंट मतलब हाई पॉइंट कौन सा है, आप यहाँ से हाई पॉइंट पर क्लिक कर दोगे। बता रहा है इसमें हाई पॉइंट कहाँ पर है, सबसे ज्यादा इसमें दो है, दोनों में एक जैसा है इसलिए दोनों हाई पॉइंट बता रहा है। ये देखो यहाँ पर और यहाँ पे 200 200 सबसे ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है 500। देखो उस पर रेड लाइन आ रही, रेड डॉट आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से इसमें सबसे बड़ा हाई पॉइंट कौन सा है, 320। अगर आप इसको बढ़ा देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया 400, देखो हाई पॉइंट चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको हाई पॉइंट हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं डिजाइन पर जाकर। अब हमें नहीं करना, हमने इस पर से क्लिक हटा दिया। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डिजाइन चेंज कर सकते हो, आपको कलर वगैरह चेंज करना मतलब किस टाइप में लेना आप यहाँ से ले सकते हो। हमने देखिए हाई पॉइंट पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी वैसे ही आने लगा, हाई पॉइंट में आपको इस तरह से दिखाना है, इस तरह से दिखाना है, जैसा भी लेना आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है। अपन ये वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा डार्क वाला। ठीक है, हम हाई पॉइंट पे से क्लिक हटाना। अब यहाँ पर लो पॉइंट मतलब सबसे कम वाला पॉइंट अपन को हाईलाइट करना है, अपन लो पॉइंट पर क्लिक करेंगे। सभी का लो पॉइंट हाईलाइट कर रहा है, इसमें 150 सबसे कम है, इसमें 150, इसमें भी सबसे कम है और इसमें भी 150 सबसे कम है और इसमें 125 कम है। तो देखो बता रहा, अगर बाद में आपका चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 250, ये हो जाता है आपका 100, लो पॉइंट चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। क्लियर है इतना। नेविगेशन पॉइंट आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेविगेशन पॉइंट्स को हाईलाइट करेगा, मतलब जहां पर ये आपका जो मुड़ा हुआ है ना उसको ये हाईलाइट करेगा। इसके बाद आपको फर्स्ट पॉइंट, सभी का फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट हाईलाइट करना है तो फर्स्ट पॉइंट नॉर्मल सी बात है यही वाला होगा। ठीक है, आपको सभी का लास्ट लास्ट पॉइंट हाईलाइट करना है, देखिए सभी का लास्ट पॉइंट हाईलाइट हो रहा है। इसके बाद आपको मार्कर्स पॉइंट हाईलाइट करना है, मतलब कहाँ कहाँ से इसके जो पॉइंट है वो है, तो आप यहाँ से मार्कर्स पर क्लिक कर देंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर है इतना। हम अभी सब पे से क्लिक हटा रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये आ गया समझ में, यहाँ से आप किस टाइप की आपको डिजाइन लेनी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको कलर का। ठीक है, जो भी आपको इसमें कलर देना है, देखो कलर चेंज करना है, आपकी जो स्पार्क लाइन्स है उनका आपको कलर चेंज करना है, कौन सा कलर रखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है इतना। ठीक है, वेट यहाँ से आपको जो आपकी स्पार्क लाइन्स है उनको आपको मोटा करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, किस वेट में मतलब कौन सी आपको लेना है, जैसे कि हमने ये ले ली, देखो मोटी हो गई। ठीक है, अपन इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो ये अच्छी दिखने लगेगी। अब इसके बाद यहाँ से आपको कलर वगैरह लेना है, जैसे कि रेड कलर करना है या कोई सा भी कलर करना है वो कर सकते हो। मोर कलर से जाकर आपको और कलर का ऑप्शन मिल जाता है। वेट से जाकर आप मोटी कर सकते हैं। कस्टम पर जाकर आप अपने अकॉर्डिंग, ये देखिए 3 3 आ रही है, आपको बढ़ाना है या कम करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है, नीचे आप क्लिक करेंगे नेविगेशन पॉइंट, मार्कर पॉइंट, हाई पॉइंट, लो पॉइंट और ये सभी। जैसे कि हमने यहाँ से हाई पॉइंट पर क्लिक किया, हाई पॉइंट हाईलाइट हो गया। अब हम यहाँ पर जा रहे हैं हाई पॉइंट का, हमें कलर चेंज करना है।
हमने हाई पॉइंट का कलर येलो कर दिया, देखो येलो हो गया हाई पॉइंट का कलर। ठीक है, अगर आपको और कुछ कलर रखना है इसी तरह से आप सभी का कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का कलर...